अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, अब चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले आए देखो दी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ओम शांति। जब उस लाइफ से इस लाइफ में आए तो दो लाइनें बहुत याद आती थी, जिसे कहते हैं ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छांव में बिठाए रखना, वो हमारा सच्चा साजन हमको प्यार की छांव में बिठाए हुए हैं, लेकिन हम कितना बैठ रहे हैं, हमें हमारे पास कितना टाइम है उसको निहारने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए। उसने हमें सब दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसने हमें नहीं दिया है। या अभी अगर हमें लग रहा है कि वो चीज़ हमारे पास शायद नहीं है, तो उसका भी कुछ कारण है, वो हमें बहुत गहरा और बहुत अनुभवी बनाना चाहता है। तो ऐसे सच्चे साथी को आज हमें कितना अपने जीवन में महसूस करना है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि ये जो चारों तरफ माहौल एक क्रिटिकल बनता जा रहा है, चारों तरफ सॉल्यूशंस भी हैं, हमें पता भी है, प्रिकॉशंस भी हैं, हमें पता भी है, लेकिन जैसे हम थोड़े कमज़ोर से पड़ गए हैं, हम होपलेस हो गए हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंदर फिर से नया रंग कैसे लेकर के आएं, इसके लिए मेडिटेशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें बहुत अंदर तक मजबूत बनाती है। और कितने भी साल हो जाएं आप सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कई कई छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए छोटी सी कोई भी छोटी भी गलती की हो, कभी एक स्पेलिंग में भी गलती की हो, तो जैसे अपनी विशेष योग के स्थान पर बैठते ही वो मुझे ऐसे टच करते हैं, कैसा लगता है कि उन्होंने बता दिया कि आज तुमने देखो ये गलती करी है। बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कैसी अदृश्य गुप्त शक्ति है, क्योंकि उसका बनने के बाद भी उसके रंग में रंगना ये एक बहुत अलग अनुभूति है। और जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि जब ये लगता है कि आप जो जैसा रखोगे, जैसा जहाँ भी बिठाओगे, जो भी पहनाओगे, जो भी खिलाओगे, हमें उसमें राज़ी रहना है। तो ऐसे ही जब जीवन में कोई भी चीज़ आती है
तो उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना, ढालना, ये हमारे प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। और हम आत्माओं को, हम बाबा के उस परम सत्ता के विशेष आत्माओं को, विशेष संतानों को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए।